नमस्कार विद्यार्थियों, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड ईयर में भारत की संघात्मक प्रकृति के बारे में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एकात्मक शासन व्यवस्था और विगत जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने एकात्मक शासन व्यवस्था में ये अध्ययन किया था कि भारत का जो संविधान है वो किन किन प्रकार के एकात्मक तत्वों को संविधान में अंतर्निहित करके चलता है। तो हमने कल ये देखा था कि संविधान में अंतर्निहित या अंतरंग में एकात्मक तत्व, आज हम भारतीय संविधान के बहिरंग में एकात्मक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तात्पर्य मैंने आपको कल भी बताया था, पुनः अपन एक बार, कि संविधान में लिखित में उनका उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी ये तत्व ऐसे हैं जो केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाए रखते हैं और राज्य हैं उनको अपने मातहत बनाए रखते हैं। इस प्रकार के जो बहिरंग में एकात्मक तत्व हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चार प्रकार के विशेष तत्वों को हम लेकर चलेंगे और फिर हम बाद में ये देखेंगे कि व्यावहारिक रूप में हमारा भारतीय संघवाद किस प्रकार का है और बदलता जो इसका स्वरूप है वो 1950 से लेकर और वर्तमान तक हमारा भारत का संघवाद रहा है। समय समय पर इसमें बदलाव भी आते रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, चार प्रकार के एकात्मक तत्व हैं उनके बारे में मैंने यहाँ आपको लिखा है। सबसे पहला वाला जो अपना एकात्मक तत्व आता है वो आता है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व। भारतीय संविधान में ये नहीं लिख रखा कि एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, यह हमारे भारत में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन समय समय पर, और ऐसा हुआ भी है हमारे भारत में, कि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं पद पर जिनका ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व हमारे भारत में देखने को मिला कि आज हमारे भारत में जो केंद्र है उसकी मजबूती प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण ही देखने को मिलती है, और राज्य हैं या उनके मुख्यमंत्री हैं उनका करिश्माई व्यक्तित्व इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हमारे भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है वो और उसका पद है उसको ताकतवर बनाने के पीछे और उसको कमज़ोर बनाने के पीछे प्रधानमंत्रियों का बड़ा योगदान रहा है, और उनके व्यक्तित्व की जो अमिट छाप है वो हमारे भारतीय केंद्र में देखने को समय समय पर मिली है। अपन यहाँ देखते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनका करिश्माई व्यक्तित्व था और इसी वजह से 1946 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, अर्थात 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे तब संपूर्ण और प्रधानमंत्री का ही व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व है वो हमको देखने को मिलता था। राज्यों की हैसियत उनके सामने कुछ नहीं थी, कई बार तो प्रधानमंत्री ही ये तय करता था कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और जब एक बार नेहरू जी किसी प्रकार का निर्णय ले लेते थे तो फिर कोई साहस नहीं कर सकता था उनके निर्णयों के बारे में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करने का। तो इस रूप में हम देखते हैं कि नेहरू जी ने समय समय पर ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे निर्णय लिए थे जिन निर्णयों से भारत को एक बड़ी मजबूती मिली थी, और शुरुआत में, प्रारंभ में ही जो भारत राष्ट्र है वो काफ़ी विकास
विकास के लिए अग्रसर हो गया था। अगर हम इसको यूं देखें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर कोई ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री होता या अल्प समय वाला प्रधानमंत्री होता, जैसे हमारे भारत में HD देवगौड़ा देखने को मिले थे, मोरारजी देसाई देखने को मिले थे, चंद्रशेखर देखने को मिले थे, इंद्र कुमार गुजराल देखने को मिले थे, ये ऐसे प्रधानमंत्री अगर शुरुआत में हमारे भारत में बन जाते तो शायद हमारे भारत में केंद्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता और हमारे भारत का जो संघवाद है शायद कुछ अलग ही प्रकार का होता हुआ दिखाई देता। इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व रहा है, इस वजह से हमारे भारत में केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत रहा है और बनिस्बत राज्यों की जो स्थिति है वो केंद्र के सामने कमज़ोर हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बराबर कोई करिश्माई व्यक्तित्व राज्य में नहीं रहा, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि राज्यों का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को कभी छुआ हो या छूने की कोशिश की हो। दूसरा जो तत्व आता है बहिरंग में वो आता है एक दलीय प्रभुत्व। भारतीय संविधान में राजनीतिक दल हैं उनके बारे में उल्लेख जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक दलों का गठन करने की, कैसे राजनीतिक दल होंगे, इनके बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं है। हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, उसी के तत्वाधान में भारत को आज़ादी मिलती है, उसी राजनीतिक दल का एक व्यक्ति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनता है और वो राजनीतिक दल बहुत लंबे समय तक अकेला ही देश में शासन करता है, केंद्र में भी उसी का शासन होता है और राज्यों की सरकारें भी उसी राजनीतिक दल की बनती है। जब राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल की सरकारें हों और केंद्र में अलग राजनीतिक दल की सरकारें हों, अलग राजनीतिक दल की सरकार हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर मतभेद उत्पन्न होता है और फिर उस केंद्रीय सरकार को इतनी पावर नहीं होती क्योंकि उसको राज्यों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे भारत में ऐसा रहा है कि 1950 से लेकर 1979 तक एक छत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन रहा और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें स्थापित रहीं। इस वजह से एक समान विचारधारा राजनीतिक दल वाली सरकारें केंद्र और राज्यों में रही और केंद्र को राज्यों से किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं मिली। इस वजह से एक दलीय प्रभुत्व के कारण हमारे भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके कारण हमारे भारत में केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत होता रहा और जो राज्य हैं उनकी स्थिति उनके सामने गौण रही थी। तो यहाँ हम ये देखें कि वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार से राजनीतिक दल और उनकी सरकारें देखने को मिलती हैं वो बहुत लंबे समय तक पहले हमारे भारत में देखने को नहीं मिलती थी, और जब शुरुआत में इस प्रकार का आधार हमारे भारत में मिल गया तो उससे केंद्र है उसको ज़्यादा ही बल प्रदान हुआ था। इस वजह से हम ये कहें कि एक दलिया प्रभुत्व ने भी हमारे भारत में जो केंद्र है उसको ताकतवर बनाया है। तीसरी वाली जो तत्व आता है बहिरंग में वो आता है योजना आयोग। अब इसका नाम है 2015 से नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसे स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ये था कि समय समय पर भारत के लिए योजनाएं बनाई जाएं और उन योजनाओं की क्रियान्विति की जाए। जब इसका गठन हुआ था तो गठन इसका इस प्रकार का था कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाया गया और बहुत सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस आयोग का सदस्य भी बनाया गया।
इस रूप में इस आयोग में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी हद तक जो इसके निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। अब देश का जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस स्थिति में पंचवर्षीय योजना बनाने में इसका अहम रोल होता है। तो योजना आयोग के माध्यम से भी हमेशा जो राज्य हैं वो केंद्र के अधीन ही रहे हैं, केंद्र के मातहती रहे हैं। समय समय पर जो योजना आयोग है उसने इस प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं या राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं कि राज्य हैं वो केंद्र पर निर्भर होते हुए दिखाई दिए हैं और ये कहते रहे हैं हमारे भारत में कि इस राज्य के संदर्भ में अच्छी योजनाएं बन जाएं तो इस राज्य का विकास हो जाए। इस रूप में हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है उसको अशोक चंदा नाम के एक विद्वान है, उन्होंने भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कह दिया। अर्थात ये योजना आयोग है वो भारत में आर्थिक नीतियां हैं उनको समय समय पर तय करता है और इसी के माध्यम से किसी भी प्रकार का जो फाइनेंस है वो राज्यों को जारी किया जाता है, तय किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें, लास्ट बात है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है वो भी देश में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। इसमें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और इसी के साथ साथ में राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। ये भी ये गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसका जो लक्ष्य है वो ये होता है कि ये केंद्र सरकार और योजना आयोग के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है कि प्लानिंग कमीशन जो प्लान तैयार करता है और जो राज्य सरकारें होती हैं वो क्या चाहती हैं उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना इसका कार्य होता है और इसी वजह से ये विकास का ये सर्वांगीण विकास है उसकी एक संस्था भारत में बन जाती है। इसी को लेकर के संथानम साहब ने उन्होंने ये कहा था कि ये संघ की सर्वोच्च मंत्री परिषद है, अर्थात जो भारत का संघ है उसकी सर्वोच्च मंत्री परिषद बन जाती है और ये कोऑर्डिनेशन तय करते हुए डिसाइड करती है कि किस प्रकार से जो राज्य हैं और किस प्रकार से केंद्र हैं उनमें एक विकास है उसमें समन्वय स्थापित होना चाहिए और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि इस राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से जो राज्य हैं उनकी स्थिति केंद्र के एक एजेंट की तरह हमारे भारत में दिखाई देने लगी। तो अपन ने चार प्रकार के जो बहिरंग में एकात्मक तत्व हैं उनको अपन ने देखा कि किस प्रकार से इनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी हमारे भारत में ये तत्व ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया है और राज्यों की स्थिति है वो हमारे भारत में कमजोर रही है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारे भारतीय संविधान में उपस्थित बहिरंग में एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट अपन जो स्टडी करते हैं वो है व्यवहार में भारत में संघात्मकता या व्यवहार में भारतीय संघवाद किस प्रकार का है। टू बी प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो तीन प्रकार के जो प्रतिमान हैं वो 1950 से लेकर और वर्तमान संदर्भ तक हमें भारत में देखने को मिले हैं। उन तीनों ही प्रतिमानों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे प्रतिमान हैं वो हमारे भारत में समय समय पर रहे हैं। सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है केंद्रीकृत संघवाद का युग। हमारे भारत में सबसे पहले जो मॉडल देखने को मिला था वो केंद्रीकृत संघवाद का युग देखने को मिला था, अर्थात ये कहें हम इसका तात्पर्य कि केंद्र है उसकी प्रबल स्थिति देखने को मिली थी और राज्य हैं उनकी गौण स्थिति देखने को मिली थी। जो फेडरल सिस्टम है हमारा फेडरल नेचर है वो सेंट्रलाइज ज़्यादा रहा था, स्टेटलाइज नहीं रहा था। हाँ यहाँ इस बात को देखते हैं
कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रारंभ से ही हमारे देश में हम प्रधानमंत्रियों को देखते हैं तो सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, फिर उनके बाद में करिश्माई व्यक्तित्व तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, फिर तो एक विराम सा ही लग गया और कुछ हद तक हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी फिर एक करिश्माई व्यक्तित्व तो की श्रेणी में ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो बात थी वो ये थी कि एक राजनीतिक दल है उसका लंबे समय तक शासन रहा, इस वजह से किसी प्रकार की चुनौती केंद्रीय सरकारों को भी नहीं मिली। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के ही द्वारा तय किए जाते थे कि किसको मुख्यमंत्री, किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है, तो इस वजह से जो संपूर्ण रूप से भारत के राज्यों में केंद्र है वही छाया रहा और केंद्र को किसी प्रकार की कोई चुनौती है वो किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल के द्वारा नहीं मिलती दिखाई दी। इस वजह से हम ये कहें कि हमारा जो भारत का प्रथम मॉडल संघवाद का भारत में देखने को मिला वो केंद्रीकृत संघवाद का युग देखने को मिला था, जिसमें केंद्र का ही रोल है वो सबसे ज़्यादा रहा, राज्यों का जो रोल है वो हमारी भारतीय राजनीति में इतना ज्यादा नहीं रहा था। दूसरा वाला जो आता है वो आता है सहयोगी संघवाद का युग। सहयोगी संघवाद से तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य हैं दोनों ने आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया, इसको सहयोगी संघवाद कहा जाता है। एक समय ऐसा आया हमारी भारतीय राजनीति में या भारतीय संघवाद के मॉडल में कि समय समय पर हमारे भारत में राज्यों ने केंद्र और केंद्र ने राज्यों को आपस में सहयोग प्रदान किया और इस सहयोग से ही हमारा जो संघवाद है वो आगे बढ़ा। आप यहाँ देखिएगा कि 1977 से लेकर 1979 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार रही, मोरारजी देसाई इसके प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उस समय हमारे भारत में कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और कांग्रेस की सरकारें हैं वो हट गई थी, इस वजह से वो जो जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने केंद्र की सरकार है जनता पार्टी की सरकार उसको सहयोग प्रदान किया और जो जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उन्होंने राज्यों की जनता पार्टी की सरकार है उनको सहयोग प्रदान किया था। इस प्रकार की स्थिति है वो देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 1989 से हमारे भारत में एक नया मॉडल देखने को मिला था कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार और अधिकतम राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वो स्थापित हो गई थी। अब यहाँ ये बात आ गई थी कि राज्य हैं वो केंद्र को सहयोग प्रदान करें और केंद्र है वो राज्यों को सहयोग प्रदान करें और ऐसी सहयोगात्मक प्रवृत्ति है वो हमारे भारत में समय समय पर देखने को मिलती। तो इस रूप में हमारा जो भारत का संघवादी ढांचा है ये आगे निरंतर बढ़ता रहा। तो एक लंबे समय तक हमारे भारत का जो संघवादी ढांचा है वो इस रूप में हमें देखने को मिला, या हम ये कहें कि 1989 से लेकर और 2014 तक, या फिर हम ये भी कहें कि वर्तमान स्थिति तक भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकारें हैं और राज्यों में अनेकों राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। और आज ये स्थिति देखने को मिली भी है कि ये भी देखा जाता है कि केंद्र है वो राज्यों को सहयोग प्रदान करे तभी राज्य है वो केंद्र को सहयोग प्रदान करेंगे। तो ऐसा सहयोगी जो प्रतिमान है या ढांचा है वो भी हमें भारत के संघवाद में देखने को मिला है, ये व्यवहारिक स्थिति हमारी भारतीय राजनीति में देखी गई है। तीसरा वाला जो आता है वो आता है सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। हमारे भारत में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था है ये भी देखने को मिली है, या ये मॉडल है वो भी देखने को मिला है। इसका तात्पर्य है कि राज्यों के राजनीतिक दलों ने या छोटे राजनीतिक दलों ने
केंद्र की सरकार को बनाने में तब सहयोग दिया जब उन्होंने किसी प्रकार की सौदेबाजी की, और फिर केंद्र की सरकार है उसने सौदेबाजी के तहत जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका को माना और उनको भी पदों से सुशोभित किया था। ऐसा भी मॉडल है वो हमारे भारत में देखने को मिला था। जैसे हम विशेषतः यहाँ पर 1996 की राजनीति की बात करते हैं, 1996 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने यहाँ पर एक गठबंधन बनाया था राजद। इस राजद गठबंधन में बीजेपी सहित 24 राजनीतिक दल थे जिनके ये प्रधानमंत्री बने थे। अब ये जो 24 राजनीतिक दल हैं इनमें बहुत छोटे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ये डिमांड की थी कि हमारे राजनीतिक दल में से हम इतने मंत्री केंद्र में चाहते हैं, और फिर आपस में जो बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी हैं और छोटे राजनीतिक दल हैं उनके बीच में सौदेबाजी हुई, और सौदेबाजी के तहत जो केंद्रीय सेंट्रल काउंसिल है, मंत्री परिषद है, उसमें मंत्री पद का बंटवारा किया गया। फिर हम देखते हैं 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और 24 राजनीतिक दलों के साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, और समय समय पर वो राजनीतिक दल हैं वो सौदेबाजी करते रहे। और एक समय तो ऐसा आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं हुए तो तमिलनाडु की तात्कालिक मुख्यमंत्री जयललिता है उन्होंने उनसे सपोर्ट ले लिया, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गिर गई थी। तो ऐसी ऐसी जो स्थितियां वो देखने को मिली। फिर उसके बाद में 2004 में फिर इस प्रकार की भारतीय राजनीति में मॉडल आता है। अब एक गठबंधन किया गया था, उसका नाम रखा गया था सतरंग, और इस सतरंग गठबंधन के जो नेता हैं वो हमारे भारत में मनमोहन सिंह बने। इसमें कांग्रेस पार्टी है वो मेन रोल निभा रही थी, और मनमोहन सिंह जी हैं उनको अनेक छोटे राजनीतिक दल हैं वो सहयोग प्रदान कर रहे थे। और फिर मनमोहन सिंह जी से भी ये सौदेबाजी की गई थी कि सेंटर में हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए, या उपाध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए, या राज्यसभा का उपसभापति बनना चाहिए या उपसभापति बनना चाहिए, जो केंद्रीय आयोग हैं उनमें हमारे राजनीतिक दलों के व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार की सौदेबाजी है वो समय समय पर हमारे भारतीय राजनीति में चलती रही हैं। और 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भी छोटे राजनीतिक दलों से सपोर्ट लेकर और अपनी सरकारों को चलाया था। अब 2014 में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी मिलता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो तात्कालिक प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अन्य छोटे राजनीतिक दलों से सहयोग ले रखा है। हालाँकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन राजनीतिक दलों ने सौदेबाजी की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन छोटे राजनीतिक दलों को भी अपनी केंद्रीय कैबिनेट में सदस्य बना रखा है, मंत्रिमंडल का सदस्य उनको बना रखा है। तो ऐसे सौदेबाजी का जो संघवाद है वो हमारे भारत में विशेषकर 1996 से लेकर 2014 तक देखने को मिला है। जो समय समय पर जो केंद्र की सरकारें हैं उनसे सौदेबाजी की हैं, और ये कहा है कि सेंटर में हमारे राजनीतिक दल से इतने मंत्री होने चाहिए, हमारे राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे राज्य को इस प्रकार का अनुदान मिलना चाहिए, हमारे राज्य को इस प्रकार का पैकेज मिलना चाहिए, और केंद्र की सरकार ने अपनी सरकार चलाने के लिए समय समय पर उनकी मांग है उनको पूरा किया है, और जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं छोटे राजनीतिक दलों की तो उन्होंने उनसे वापस
या तो समर्थन लेने की धमकी दी है या उनसे समर्थन उन्होंने वापस ले लिया है और सरकारें हैं वो गिरने की कगार पर भी आई हैं। ऐसी जो स्थितियां हैं वो हमारे भारतीय राजनीति के फेडरल सिस्टम में देखने को मिली हैं। हालांकि वर्तमान संदर्भ में तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भारत में सौदेबाजी की राजनीति है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो केंद्र और राज्यों की स्थिति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बहुत सारे राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें हैं, यानी कि या तो वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या फिर वहाँ पर जो उसका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसकी सरकार है। और फिर जब देश की एकता या अखंडता का कोई प्रश्न आता है या एक सहयोग करने की बात आती है तो आज भी वो जो राज्य हैं वो केंद्र से सौदेबाजी करने से पीछे नहीं हटते। और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है ये समय समय पर चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय पर स्पष्टतः केवल एक ही राजनीतिक दल को अधिक बहुमत मिल जाए और फिर केंद्रीकृत संघवाद का युग है वो हमारे भारत में वापस आ जाए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में बने आगे चलकर जो ये सोचे कि हम तो सरकार चला ही रहे हैं लेकिन राज्यों को भी हमें साथ में लेकर चलना है, तो एक जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है वो हमें देखने को मिल सकता है। या फिर हम ये कहें कि हो सकता है कालांतर में ऐसी स्थिति आ जाए कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों का गठबंधन करके फिर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर हो सकता है कि जो ये सौदेबाजी की राजनीति है वो हमारे भारत में और भी लंबे समय तक चल सके। ये एक भविष्य का प्रश्न है लेकिन व्यावहारिक रूप से ये प्रतिमान है वो बदलते भी रहेंगे और हो सकता है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिमान ने वो हमारे भारतीय संघवादी मॉडल के अंतर्गत सामने दिखाई दे। बाकी मैंने तीन प्रकार के जो मॉडल हैं उनको स्पष्ट करते हुए आपको बताया कि किस किस प्रकार की स्थिति हमारे भारतीय संघवाद में समय समय पर देखने को मिलती रही है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में संघात्मक राज्य की जो प्रकृति है वो बदलती रही है और बदलते परिवेश के अंतर्गत आगे भी इसमें इस प्रकार का बदलाव होता रहेगा। ये जो मॉडल है ये परिवर्तित भी होते रहेंगे और समय समय पर हमारे भारत में जो संघवाद के जो प्रतिमान है वो हमने देखे थे वो चीज़ भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देख ही रहे हैं। एकात्मक तत्वों को भी हमने देखा वो चीज़ भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है और बहिरंग में एकात्मक तत्वों को भी हमने देखा कि अगर कोई प्रभावशाली या व्यक्तित्व का धनी प्रधानमंत्री देश में आता रहा तो शायद हमारे भारत में केंद्र है वो मजबूत ही चलता रहेगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा कोई व्यक्तित्व ऐसा किसी मुख्यमंत्री का सामने आ जाए तो हो सकता है कि भारतीय राजनीति में जो राज्य है वो भी चमकता हुआ दिखाई दे और केंद्र है वो उसके सामने इतनी अहमियत नहीं रखे। ये सब कुछ व्यक्तित्व पर निर्भर होता हुआ दिखाई देता है और इस प्रकार का संघवादी मॉडल है वो हमारे भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। यह हमारा भारतीय राजनीति में या भारतीय संविधान में संघात्मक प्रतिमान है उसके लेसन को आज अपन ने पूरा किया। आप निरंतर और आगे अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।